नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल में ऐसा क्यों। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कंडक्टर वायर में इलेक्ट्रॉन क्या वाकई में ट्रैवल करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में ट्रैवल करते हैं तो कैसे। और इससे एक यह भी सवाल उठता है कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से ट्रांसमिशन लाइन द्वारा हमारे घर तक पहुंचती है, तो इतनी लंबी वायर से इलेक्ट्रॉन घर तक पहुंचते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस ट्रैवल करते रहते हैं सोर्स से लोड में, तो ऐसे में एक ना एक दिन तो वायर के इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाने चाहिए। इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमने वीडियो में एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की है। वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत कीजिए, क्योंकि हर पार्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। वीडियो एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा वाकई में होता क्या है। दोस्तों, कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वे फ्रीली मूव करते रहते हैं, जिगजैग मोशन करते हुए एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं जब तक उस वायर में पोटेंशियल एनर्जी नहीं लगी है। इलेक्ट्रॉन का मोशन जिगजैग या रैंडम होता रहता है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वायर के दोनों एंड पर क्रिएट करते हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करने लगते हैं। अब दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की जो ओवरऑल ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वायर में 1 मीटर पर आर है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वायर में लगभग 1 घंटे में 1 मीटर तक ट्रेवल करता है। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो काफी स्लो है, तो कैसे करंट लगभग लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, जो कि 280,000,000 मीटर पर सेकंड है, जो कि काफी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अनुसार, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अनुसार बहुत ज्यादा है। अब इसका उत्तर यह है कि जो चार्ज कैरियर हैं, यानी इलेक्ट्रॉन काफी सारे हैं, जो कि कंप्लीट पूरी वायर में, पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करते हैं। कहने का मतलब है, करंट उस गति के साथ ट्रेवल करता है जितना चार्ज कैरियर वायर के एक क्रॉस सेक्शन पॉइंट से पास होते हैं। और अगर चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन वायर में डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव नहीं कर पाएंगे, तो करंट की स्पीड में भी फर्क पड़ेगा। इससे ये समझ आता है, इलेक्ट्रॉन को वायर में 1 सेकंड में ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करना पड़ता, बस करंट की स्पीड डिपेंड करती है कि 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन उस क्रॉस सेक्शन से निकल रहे हैं। करंट की स्पीड इस पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में वायर के अंदर कितनी दूर तक जाता है, करंट की स्पीड का उससे कोई लेना देना नहीं है। बस करंट की स्पीड डिपेंड करती है कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन उस क्रॉस सेक्शन पॉइंट से पास हुए हैं। अगर अब भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है करंट और इलेक्ट्रॉन के स्पीड पर, तो एक एक्सपेरिमेंट से समझ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की स्पीड और करंट की स्पीड में कितना अंतर है। सपोज कीजिए, एक पाइप है और अंदर से खाली है, जैसा डायग्राम में आप देख रहे हैं। ये तो कंडक्टर वायर हो गई, कंडक्टर वायर को दर्शा रहा है। वहीं उस पाइप में काफी सारे मार्बल बॉल भर दीजिए, मार्बल बॉल इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। अब पॉइंट ए से एक बॉल को पुश कीजिए, हम क्या देखेंगे, पाइप काफी लंबा है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर पॉइंट ए से पुश करते हैं, तो पॉइंट बी में इंस्टेंट यानी उसी टाइम पर से दूसरे एंड से बॉल 1 सेंटीमीटर मूव हो जाती है। अब इस एक्सपेरिमेंट में देखने वाली बात यह है कि पॉइंट ए पर जो मार्बल बॉल है उसका मूवमेंट तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही होता है। इसी 1 सेंटीमीटर का जो मूवमेंट है सभी बॉल पर, इसका फोर्स ट्रांसफर होता हुआ पॉइंट बी की लास्ट बॉल पर पड़ता है, उतना ही मूवमेंट होता है, वो भी बहुत फास्ट। जैसे ही पॉइंट ए पर पुश किया, वैसे ही उसी टाइम पर ये फोर्स पॉइंट बी की लास्ट बॉल पर ट्रांसफर हो जाता है। तो इससे सभी इलेक्ट्रॉन का ओवरऑल मूवमेंट तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही है। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन की स्पीड यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। और जिस तेजी से पॉइंट बी के जो बॉल है पाइप के उस क्रॉस सेक्शन से पास हो रहे हैं, इसको कहते हैं स्पीड ऑफ करंट, यानी जिस तेजी से फोर्स बी पॉइंट के एंड में जो मार्बल है उस पर ट्रांसफर हो रही है, वो करंट की स्पीड को दर्शाता है। दोस्तों, ये तो समझ में आ गया होगा करंट और इलेक्ट्रॉन की स्पीड में अंतर है। अब एक लास्ट सवाल रह गया कि अगर
इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कंटिन्यूअस फ्लो करते रहते हैं, भले ही इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो हो। तो ये सोचा जा सकता है कि वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी भी तो कुछ क्वांटिटी की लिमिट होगी। क्या इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है कभी वायर में, या बिल्कुल ही खत्म हो सकते हैं एक टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन वायर में, क्योंकि कंटिन्यूअस फ्लो होता ही रहता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को दो एग्जांपल देकर समझाऊंगा, डीसी में अलग वहीं एसी करंट में अलग, क्योंकि दोनों में ही करंट का मूवमेंट अलग अलग है। पहले डीसी करंट की बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक बैटरी है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉजिटिव प्लेट में पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा है, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और वहीं नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। अब जब इस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच बल्ब कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लग जाते हैं। हम तो जानते हैं करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करती है। ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है सर्किट में, तब तक रहता है जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ना हो जाए। मान लीजिए कि बैटरी की जो वोल्टेज है खत्म हो जाती है, तो क्या वायर के इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए और क्या बैटरी के इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन तो बस एक वायर से दूसरी वायर में कंटिन्यूस एक के पीछे एक मूव करते रहते हैं, और ऐसे ही बैटरी में, और जब वोल्टेज बंद हो जाता है वहीं रुक जाते हैं जो जहाँ है वहीं पर। बैटरी से इलेक्ट्रॉन वायर में आते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, और वायर के इलेक्ट्रॉन बैटरी में जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, और जैसे ही वोल्टेज कट हो जाता है इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह रुक जाते हैं। दोस्तों, इससे ये समझ आता है इलेक्ट्रॉन कभी नहीं खत्म होते वायर में और बैटरी में, बस ये तो एनर्जी है यानी वोल्टेज, जो कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में करती रहती है। वायर के इलेक्ट्रॉन दूसरी वायर में जाते हैं, बैटरी के इलेक्ट्रॉन वायर में आते हैं, वायर के इलेक्ट्रॉन बैटरी में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक के पीछे एक को पुश कर आगे बढ़ते रहते हैं, और जैसे ही बैटरी को दोबारा भरा जाता है चार्ज करके, जिससे पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है और वायर बल्ब लगाने से इलेक्ट्रॉन फिर से मूव करने लगते हैं। जब तक पोटेंशियल है ये एक साइकिल की तरह होता रहता है, वायर से इलेक्ट्रॉन बैटरी में, बैटरी के इलेक्ट्रॉन वायर में। दोस्तों, डीसी में तो समझ में आ गया, लेकिन एसी में तो इलेक्ट्रॉन हर हाफ साइकिल में अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, जिस वजह से करंट की भी डायरेक्शन हर हाफ साइकिल में चेंज होती रहती है। दोस्तों, एसी में फेज और न्यूट्रल के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जैसे ही फेज और न्यूट्रल के बीच कोई लोड या कोई बल्ब, मान लीजिए बल्ब कनेक्ट करते हैं, सर्किट कंप्लीट होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। अब एसी सप्लाई जो होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है, इसका मतलब एक सेकंड में करंट 50 बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट में और बी पॉइंट से ए पॉइंट में। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 1 मीटर पर आवर होती है, यानी एक घंटे में 1 मीटर ही इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है। तो एसी करंट में इलेक्ट्रॉन हर एक सेकंड में 50 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, जो कि पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए कि वायर में दूर तक ट्रेवल कर सके। बस वो अपनी ही पोजिशन में टू और फ्रो मोशन में रहता है, उसी पोजीशन में रहकर कभी फॉरवर्ड कभी रिवर्स डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हुए एनर्जी ट्रांसफर होती है। दोस्तों, इससे साफ समझ में आ गया कि वायर में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं खत्म होते, बस खत्म होती है तो एनर्जी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। डीसी के केस में होता क्या है कि वायर के इलेक्ट्रॉन बैटरी में आ जाते हैं और बैटरी के इलेक्ट्रॉन वायर में आ जाते हैं, वहीं एसी में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन एक ही पोजीशन पर टू एंड फ्रो मूव करते रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी नहीं है यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी नहीं है, बस वो ऑसिलेट करते रहते हैं एसी के केस में, यानी इलेक्ट्रॉन एसी में ज्यादा दूर तक मूव नहीं कर सकते। और आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड और जो करंट की स्पीड है उसमें काफी अंतर है। करंट की स्पीड है जो कि लाइट की स्पीड से लगभग 70% स्पीड से ट्रेवल करती है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड और करंट की स्पीड में काफी अंतर है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको हर वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।